तिलकड़ी निवासी एक महिला पूजा शर्मा की आग लगने से जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जी क्या नाम है आपका? राजकुमार शांत। ये जो शांत हो गई हैं, इनका क्या नाम था? पूजा शर्मा। आपकी कौन थी? मेरी बेटी है। कैसे आग क्यों लगाई इन्होंने? आग ऐसे लगाई नहीं है, इन्हीं लोगों ने लगाई है, ससुराल पक्ष वालों ने लगाई। अच्छा, क्या ये लगे थे 3-4 दिन पहले और हमने मना करा था। हमारा एक बालक शांत हो गया था तो उस समय हमने मना करा था कि हमने भेजा है, कहें नहीं आप भेज दो, हमको गाँव पे परेशानी है, खेती किसानी में परेशानी, हमारा हाथ बंटवा लेगी। इस हिसाब से ये अभी हम हमारे यहाँ से ले गए और ये ले गए हैं। 2 दिन तो इन्हें अच्छी रखी है, 3-4 रोज से इन्हें मारना पीटना, इसके जो पैर बांध के इसके जो है अशोक ने इसकी पिटाई की, मतलब इसके पति ने। और जो अशोक है राम सेवक जो जहाँ रहता था वो इसकी हमदर्दी बना था और इनकी मीटिंग हुई थी, इसमें सास ससुर और अशोक की घरवाली सब परिवार था इनका, इनकी मीटिंग हुई थी उसको ये रचने की। और हमको ये मालूम नहीं था कि ये जहाँ से रचना शुरू किया उन्होंने, और ये करीब 4-5 साल पहले से परेशान कर रहे थे बच्ची। कुछ पैसे की मांग करी है आप लोगों ने? दहेज प्रथा के लगा है, केस लगा है, अभी फाइल मेरे पास ही है और खुली भी रखी हुई है फाइल। नहीं पहले भी, मतलब पहले? हाँ, और पहले भी कभी मारा था बिटिया को? पहले मारा था ना, कल 1-1.5-2 साल पहले मारा है उस, और इनके सास ससुर को। आखिरी बार आपने कब बात करी थी बिटिया से? अभी आज हुई है मेरी 9:30 बजे, और वो ये कह रही थी कि पापा आप मुझे बचा लो, ये मुझे मारने को धमकी दे रहे हैं, ये मुझे जला देंगे या मार डालेंगे। और ये जलाने के बाद मतलब जैसे ही इसने, ये कहीं गांव चला गया, यहाँ भी ये चला गया, और इसके टुकड़ा टुकड़िया इसके जहाँ विदिशा आ गए, इसका जेठ भी विदिशा आ गया, उसमें ससुर भी है सम्मिलित और जेठ भी है और जेठ की घरवाली भी है, सभी हैं, इनको सबों को सजा होने चाहिए।